हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ रियल नंबर्स से है। क्लास टेंथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर बोला है लेट ए बी सी डी बी द पॉजिटिव रैशनल नंबर्स सच दैट ए प्लस रूट पी इक्वल टू सी प्लस रूट डी। मीन्स ए बी सी डी क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं और एक कंडीशन के साथ में कि ए प्लस रूट पी किसके इक्वल होता है? सी प्लस रूट डी के इक्वल है। देन प्रूव दैट ईदर ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। तब शो करिए कि या तो ए और सी और बी और डी आपस में इक्वल हैं, या फिर बी एंड डी आर स्क्वायर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, और या फिर बी और डी क्या है? स्क्वायर्स हैं किसके? रैशनल नंबर्स के। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और इसको स्टार्ट हम लोग जो गिवन कंडीशन है यहीं से कर रहे हैं। सबसे पहले एक कंडीशन हम लोग लिख देते हैं जो हमें दिया है। क्या दिया है हम लोगों को? ए प्लस अंडर रूट बी इक्वल टू व्हाट? सी प्लस अंडर रूट डी। करेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है और इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर लिया। ये क्यों? क्योंकि गिवन कंडीशन है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सपोज करिए दो रैशनल नंबर्स हैं ए और सी। करेक्ट, अब इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? अगर इनको हम लोग देखें तो या तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और सी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे, या फिर दूसरी कंडीशन सिर्फ ये हो सकती है कि इक्वल नहीं होंगे। करेक्ट, सो दो रैशनल नंबर्स के बीच में दो केसेस निकल सकते हैं, या तो दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल, या फिर दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस के अंदर तो हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं? व्हेन ए किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। और केस नंबर टू में हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जब ए किसके इक्वल नहीं है? सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, जब हम लोग का ए सी के इक्वल है तब हम लोग क्या कर सकते हैं? ए की वैल्यू रख सकते हैं किस में? गिवन इक्वेशन में, जो हम लोगों को कंडीशन दे रखी थी। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? देन ए के प्लेस पे क्या रखा जा सकता है? सी, क्योंकि अभी इस केस में हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि ए और सी कैसे हैं? इक्वल है, तो ए के प्लेस पे सी रख देते हैं। सो सी प्लस अंडर रूट बी इक्वल टू सी प्लस अंडर रूट डी लिखा जा सकता है। सी से सी कैंसिल, सेम साइन के नंबर इक्वल के इधर उधर, तो क्या आ गया हम लोगों का निकल के? अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट डी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। राइट, दोनों साइड्स को स्क्वायर किया तो रूट बी को स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया बी, रूट डी का स्क्वायर करेंगे तो ये डी। सो हम लोगों ने क्या देखा कि जब ए और सी आपस में इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन लेके आ गए कि बी और डी भी आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन हम लोगों ने मैच कर दी। सो कह सकते हैं व्हेन ए इक्वल टू सी, देन एक चीज़ निकल के आती है कि बी और डी भी आपस में कैसे है? इक्वल है। अब आते हैं किस पर? केस टू पर। क्या कंसिडर किया है? कि ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। अगर ए सी के इक्वल नहीं है, कोई भी रेशनल नंबर हम लोग प्लस माइनस करके दोनों को इक्वल कर सकते हैं। मान लेते हैं तब लेट ए इक्वल टू सी प्लस के, और जहाँ पे के क्या कंसिडर किया है हम लोगों ने? सो के क्या है? एनी रैशनल नंबर। ठीक है, सो कुछ भी ये हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। सो प्लस माइनस करके दोनों को इक्वल किया जा सकता है। अब क्या करें? ए की वैल्यू पुट करें किस में? इस कंडीशन में। और ए की वैल्यू कितनी है? सी प्लस के रख देते हैं। देयरफॉर इस कंडीशन में रख सकते हैं क्या? सी प्लस के प्लस अंडर रूट बी। क्या किया है हम लोगों ने? ए के प्लेस पे सी प्लस के रखा है, क्योंकि कंसिडर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इक्वल टू व्हाट? सी प्लस रूट डी। अब क्या देख रहे हैं? सी इज देयर, सी इज देयर, सेम साइन के नंबर है, इक्वल के इधर उधर है, कैंसिल कर दिया, तो क्या बचता है? के प्लस अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट डी। अब क्या कर रहे हैं? दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहे हैं। सो दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है के प्लस अंडर रूट बी और इसका स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू अंडर रूट डी और इसका स्क्वायर। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक व्हाट? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो एक्सपेंड कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लगा देते हुए आइडेंटिटी। सो ये आ गया के स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी, प्लस टू इंटू ए बी करेंगे तो टू के इंटू रूट बी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। एंड दिस इक्वल टू रूट डी का स्क्वायर किया तो डी।
सबको क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, सिर्फ इस टर्म को यहाँ पर रखते हैं। सो 2k इंटू रूट बी इक्वल टू डी के स्क्वायर माइनस बी, ऐसा लिखा जा सकता है। या फिर इसी चीज़ को क्या करें, रूट बी को इधर ही छोड़े हम लोग और 2k को ट्रांसपोज कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या करेगा, डिवाइड। सो अंडर रूट बी इक्वल टू वॉट डी माइनस के स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2k, करेक्ट है। इससे क्या प्रूव हो गया, हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि रूट बी क्या है। सो रूट बी क्या निकल के आ गया, रैशनल नंबर निकल के आ गया। अभी रैशनल क्यों है, क्योंकि हम लोगों का डी क्या है, रैशनल नंबर है, के क्या है, एक रैशनल नंबर है, बी रैशनल नंबर, के भी क्या है, रैशनल नंबर है। इसका मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो इनका ऑपरेशन कुछ भी करेंगे प्लस माइनस तो वो क्या निकल के आएगा, एक रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब रूट बी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। मेंशन कर देते हैं इस चीज़ को, सिंस डी के बी आर रैशनल नंबर्स, तो इनका ऑपरेशन क्या है, रैशनल नंबर। अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी, राइट। और ये बन जाएगा हम लोगों का क्या, रैशनल नंबर है कोई भी और इसका स्क्वायर। इसको ना इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, इसको चलो इक्वेशन नंबर हम लोग 3 कंसीडर कर लेते हैं। ऑलरेडी 1 इसको कंसीडर किया था और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या शो कर दिया कि अगर ए सी के इक्वल नहीं है, इस केस में क्या बोल सकते हैं कि बी क्या है, रैशनल नंबर का स्क्वायर है। चलिए एक चीज़ तो हम लोगों ने शो करी, अभी हम लोग क्या कह सकते हैं, बाई इक्वेशन नंबर 2 आ जाते हैं इस इक्वेशन पर भी। बाई इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर देते हैं, क्या दिया था हम लोगों को, के प्लस अंडर रूट बी इक्वल टू वॉट अंडर रूट डी, ऐसा दिया था। अब क्या है, बी हम लोगों के पास में क्या है, एक रैशनल नंबर का स्क्वायर है, रख सकते हैं। के क्या है, अपने आप में एक रैशनल नंबर है, मेंशन कर दीजिए। चलिए सो के के प्लेस पर लिख रहे हैं, एक कोई भी क्या होगा, रैशनल नंबर, ठीक है। प्लस अंडर रूट बी क्या है, एक रैशनल नंबर है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग। सो ये भी हम लोगों के क्या हो गया, एक रैशनल नंबर, राइट। एंड दिस इक्वल टू वॉट अंडर रूट डी, ऐसा है, ठीक है। अब एक रैशनल नंबर और एक रैशनल नंबर को दोनों को अगर सम करेंगे तो आंसर क्या होगा हम लोगों का, वॉट एवर द आंसर इज, बट वो होगा क्या, रैशनल नंबर होगा। सो दोनों रैशनल नंबर को सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक रैशनल नंबर ही निकल के आएगा। एंड दिस इक्वल टू वॉट अंडर रूट डी, ठीक है। अभी दोनों साइड्स का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करने पर क्या हुआ, ये तो बन गया हम लोगों का जो भी रैशनल नंबर होगा, इसका स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। और रूट डी का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा डी, करेक्ट है। इसको अगर इक्वेशन नंबर हम लोग 4, या चलिए इसको एक बार इधर लिख देते हैं। सो डी इक्वल टू क्या हुआ, एक रैशनल नंबर और इस पर स्क्वायर, साइड चेंज करिए बस हम लोगों ने। और इसको अगर इक्वेशन नंबर 4 कह दें, करेक्ट। सो इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों के बेसिस पे क्या बोला जा सकता है, इन दोनों के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि डी और बी दोनों ही क्या हैं, रैशनल नंबर्स के स्क्वायर हैं, ठीक है। सो देयरफॉर बोथ द डी एंड बी आर द स्क्वायर्स ऑफ रैशनल नंबर। सो हम लोगों ने शो किया कि अगर ए प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी होता है, जहाँ पे ए बी सी डी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, तब या तो ए और सी और बी और डी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने केस 1 के अंदर शो किया, करेक्ट। और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बी और डी दोनों क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं रैशनल नंबर्स के, जो कि हम लोगों ने शो किया किस में, केस 2 में, राइट। तो यही हम लोगों को शो करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की वीडियोज़ के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।